मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले बड़ा ट्रंप कार्ड खेलते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया था, जिसका कई दलों ने धीमी आवाज में विरोध तो किया, लेकिन संसद में सरकार का साथ देकर इसे पास करा दिया। राजनीतिक पार्टियों ने भले ही खुलकर इसका विरोध ना किया हो, लेकिन कई लोगों ने इसके खिलाफ हल्ला बोलते हुए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई। गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में यूथ फॉर इक्वालिटी समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें 124वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता, क्योंकि विधेयक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 124वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 7 जनवरी को सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई थी, जिसके अगले दिन ही सरकार इस बिल को पहले लोकसभा में लाई, जहां से बिल पास कराने के बाद सरकार ने इसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा से भी पारित करवाया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर करने के बाद ये बिल अब कानून का रूप ले चुका है और कई बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू भी किया जा चुका है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।